दुनिया भर के देश कोरोना वैक्सीन का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। भारत समेत कई देशों में तेजी से वैक्सीन का काम भी चल रहा है। लाखों लोगों पर वैक्सीन का ट्रायल भी किया जा रहा है। हालांकि किसी वैक्सीन को अब तक ग्लोबल अप्रूवल नहीं मिला है। रूस और चीन में लोगों को एक्सपेरिमेंट के तौर पर वैक्सीन देना शुरू किया गया है। दुनिया भर में 9 वैक्सीन ऐसी हैं जिनके तीसरे चरण का ट्रायल या तो शुरू हो गया है या फिर शुरू होने वाला है। भारत बायोटेक की कोवैक्सीन का भी तीसरे चरण का ट्रायल शुरू हो सकता है। उसने DCGI से तीसरे चरण के लिए मंजूरी मांगी है। DCGI ने दूसरे चरण के डेटा मांगे हैं जिससे कि तीसरे चरण की मंजूरी दी जा सके। भारत बायोटेक ICMR के साथ मिलकर वैक्सीन पर काम कर रहा है। अधिकारियों के मुताबिक हैदराबाद स्थित टीका निर्माता ने 2 अक्टूबर को DCGI को आवेदन देकर अपने टीके के तीसरे चरण के लिए परीक्षण की अनुमति मांगी थी। कंपनी ने अपने आवेदन में कहा कि इस अध्ययन में 18 साल या उससे ज्यादा उम्र के 28,500 लोगों को शामिल किया जाएगा और यह परीक्षण 10 राज्यों के 19 जगहों पर किया जाएगा।